लाइफ हमें अपनी चॉइस से नहीं मिलती है, हम लोग इस दुनिया में अपनी चॉइस से जन्म नहीं लेते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रोकते हैं, तो मैं जिन्हें जानता हूँ या जो मुझे देखते हैं कुछ सीखते हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, दिस इज दी नॉट दी ऑप्शन। माय नेम इज अभिषेक निगम एंड आई एम यश अरोगानी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो ये गाना है हमने आपके लिए आपकी वजह से बनाया है। आई थिंक ये जो हमारे प्यारे प्यारे अभिषेकियंस हैं और जो येशा के सारे फैंस हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कहने में, ये क्या कहते हैं, येशियंस सो ये जो येशियंस हैं उन दोनों ने मिलके जो अभिषेक हैशटैग बनाया है, उसके वजह से हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया आया कि यार इफ़ यू वांट दिस सो मच आई थिंक वी शुड गिव इट टू फॉर ऑल ऑफ यू। आई लिव फॉर माय फैंस एंड वॉट एवर दे से आई ऑलवेज कीप दैट ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड आई ऑलवेज ट्राई कि जो मेरे फैंस ने मुझे बोला है मैं वो करूँ। क्योंकि तो हम लोग कितना भी थैंक यू बोले कम है एनी जेस्चर ऑफ ग्रेटिफिकेशन। तो ये आपके लिए है और अब आपकी जिम्मेदारी है इस गाने को बड़ा बनाना, शेयर करना, जितना हो सके उस पर रील बनाना और हमें ढेर सारा प्यार पहुंचाना। बहुत खास है और इजी बना दिया सबने, थैंक यू अभिषेक और राम जी सर, पूरी टीम, दे मेड इट वेरी इजी फॉर मी। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फर्स्ट है तो बहुत खास है और बहुत सारा प्यार है इसमें, और आप भी प्यार दीजिए, दैट इज़ व्हाट आई विश एंड आई होप। हम जब ये आई थिंक जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश थी, व्हेन ही टोल्ड मी ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी, तो हम लोग इतने खुश थे कि आई एम श्योर आई कैन रिलेट टू देयर हैप्पीनेस कि वो लोग कितने खुश होंगे, है ना। एंड दे आर वेरी हैप्पी, आई हैव सीन देम, उनके कैप्शंस एंड कमेंट्स में पढ़ता हूं जो सारे एडिट्स बनाते हैं वो, तो वो पढ़ के इतना अच्छा लगता है ना दिल को, वो मैं कहता हूं ना वो मेरे लिए मेरी पॉजिटिविटी है। True. वो एक होप ऑफ पॉजिटिविटी है मेरे लिए, प्रोटीन शेक है हमारा, प्रोटीन शेक, पॉजिटिव प्रोटीन शेक है हमारा। चेंजेस क्या, हमने कोई चेंजेस नहीं था, हमें तो बहुत मतलब बिल्कुल सिमिलर फीलिंग पे हमने शूट किया है और बहुत मज़ा आया, बहुत एक्चुअली इट इज़ मच नीडेड टाइम बिकॉज येशा के पास भी टाइम नहीं था, बहुत बिजी थी और मेरे पास भी बहुत टाइम था, तो मैंने किसी तरह येशा का थोड़ा टाइम लिया और मैंने कहा येशा चलो हम एक म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, तो फिर सारी चीज़ें फिर सब क्या कहते हैं उसे कैसे बैठ जाती है, इन सिंक सब हो गया, इन सिंक बैठती गई और होती गई, और फिर हमने और येशा ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, वी वेंट टू बैंकॉक टू शूट दिस सॉन्ग, अमेजिंग लोकेशन आउटडोर्स, बहुत मजा आया, इट इज अ नाइस ट्रिप आल्सो टुगेदर, या डेफिनेटली इट्स वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, ऑल इन ऑल वी हैड लॉट ऑफ फन। या नहीं आई डोंट, अभी तो ऊपर नहीं देखा मैं बिग बॉस, मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखी थी एंड आई वाज फाइंडिंग अब्दू वेरी क्यूट, वो बहुत ही, पर आई डोंट थिंक मैंने फॉलो किया है, तुमने? नहीं अभी इस बार नहीं, नहीं ना। बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक यही टाइम था लास्ट ईयर, द शो लॉन्च्ड अराउंड दिस टाइम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो अभी थोड़े दिन पहले ही आई वॉज पुटिंग दोज पोस्ट, तो जब पोस्ट डाल रही थी तो पुराने फोटोज देख रही थी, तो पूरा वेंट डाउन द मेमोरी लेन, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं उस शो को, क्योंकि इट वॉज अ फैबुलस टीम और फैमिली बन गए थे वो सब लोग, अभी भी है, एंड शॉर्ट लिव था पर बहुत ही प्यारा था, दैट वॉज अ वेरी, दैट शो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो या डेफिनेटली मिस इट। आपने खुद ही बोल दिया ना र्यूमर है। सही है, खत्म बात ही। सी मतलब इट्स अ वेरी टची थिंग, आई रियली डोंट नो, मुझे अच्छे से आता नहीं है कि इन चीज़ों को, मैं अपने अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर उन्हें दर्शाना नहीं आता, उन्हें दिखाना नहीं आता, और मुझे हमेशा से डर लगता है कि अगर मैं उन चीज़ों को ऐसे दर्शाऊँ या दिखाऊँ तो कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, तो मेरा जो किसी को लव रिस्पेक्ट देने का जो एक तरीका है वो बहुत अलग है, आई मीन लॉट ऑफ लव टू हर, हाँ हाँ वो नहीं बोला जाता, बट लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू हर,
all the time I've shared with her was precious, amazing, and I think now हमें बस उसी के साथ जीना है, वही बातें याद करनी है. अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिन्हें सोच के अभी भी हंसी आ जाती है मुझे, मतलब पुरानी जो चीज़ें थी. बट देन मे हर सोल रेस्ट इन पीस एंड जस्ट जो हो सही हो बस अब आगे. देखिए जो ये जो एक चीज़ है ना, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट इट एट ऑल, बट हमें ये नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. ये ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रोकते हैं, तो मैं जिन्हें जानता हूँ या जो मुझे देखते हैं कुछ सीखते हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए. दिस इज़ दी नॉट दी ऑप्शन. ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए. और हमेशा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. हम जब जीते हैं तो हमारे जो आगे अगल बगल चार लोग होते हैं हमें बोलने सुनाने वाले, हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए. हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपने आप के एथिक्स को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए. और हाँ, जब आपको लगे कि आपके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए. अगर उनसे भी नहीं बात कर सकते तो किसी भी थर्ड बंदे से बात करिए. पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ट्रस्ट मी. और लाइफ हमें अपनी चॉइस से नहीं मिलती है. हम लोग इस दुनिया में अपनी चॉइस से जन्म नहीं लेते हैं. सो यू डोंट हैव द चॉइस, यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू टेक इट अवे ऑल्सो. आई थिंक वो सब गॉड गिफ्टेड है, ही डिसाइड्स. सो लेट हिम डिसाइड एंड डोंट, दिस शुड नॉट बी द ऑप्शन एट ऑल. मैसेज में बस यही देना चाहूँगा, तो आप ऐसे मूड में डाल देते हो ना कि फिर हो जाते हैं. हाँ, फिर अचानक से मैं मतलब वैसे थोड़ा ऐसे खुश खुश सवाल पूछते हो फिर अचानक से बेन इट गोज ना, तो सब बस फैंस को यही बोलना चाहूँगा यार कि ये सॉन्ग बहुत प्यार से बनाया है और आपके प्यार की वजह से बनाया है. आप है तो हम तो है. हम हैं तो, और हमारे प्यारे प्यारे तोहफा है. हाँ, जो हमारी पूरी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो बस आप उस मेहनत को रंग ले आइए और ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए, गाने को देखिए और रोज़ सुनिए, है ना, और ढेर सारी रील्स वील्स बना के हमें भेजिए, है ना. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल.